Determine the empirical formula of Kevlar used in making bulletproof vest. Is 70.6% carbon, 4.2% hydrogen, 11.8% nitrogen and 13.4% oxygen. तो देखो स्टूडेंट्स, केलवार क्या होता है, वो बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होता है उसको फॉर्मेशन उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है. उसका आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. तो देखो, जो आपके पास केलवार है, केलवार का आपके पास कुछ 100% होगा, ठीक है. इसमें से कार्बन है आपके पास 70.6%, हाइड्रोजन है 4.2%, नाइट्रोजन है 11.8% एंड रेस्ट ऑफ द क्या आपके पास ऑक्सीजन जो कितना है 13.4%. तो 100% में से ये कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके पास गिवन है. तो देखो, अगर 100% में से इतना अमाउंट गिवन है तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरे पास इसका 100 ग्राम होगा, अगर 100% में से इतना परसेंट ये है तो मैं ये बोल सकता हूं 100 ग्राम में से 70.6 ग्राम क्या है मेरे पास कार्बन, 4.2 ग्राम क्या है मेरे पास हाइड्रोजन, 11.8 ग्राम क्या है मेरे पास नाइट्रोजन एंड 13.4 ग्राम क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है. मैं ये बोल सकता हूं अगर 100% में से ये कुछ परसेंटेज प्रेजेंट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 100 ग्राम में से इतना ग्राम ये मेरे पास है. अब देखिए, मेरे पास ग्राम आ गया है, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, मोल रेशियो चाहिए. तो अगर वेट है तो वेट अपॉन मोलर मास अगर मैं करूं, वेट अपॉन मोलर मास अगर मैं करूं तो क्या आएगा मेरे पास बताइए, मोल्स आ जाएगा ना, सही है. वेट अपॉन मोलर मास करूंगा तो मेरे पास मोल्स आ जाएगा, ठीक है. तो यहां से निकालिए मोल्स फॉर द कार्बन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5.88 समथिंग आएगा, कितना आएगा 5.88. फिर यहां पर देखिए इसका कितना आ रहा है 4.2, इसका कितना हो जाएगा 0.84 और इसका हो जाएगा 0.83. चलो, आपके पास क्या आ गया, अब मोल रेशियो आ गया है. लेकिन क्या ये मोल रेशियो सिंपल है, नहीं है ना, ये डेसिमल की फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप, तो जो भी इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे क्या करो, सबको डिवाइड कर दो. क्या करो, डिवाइड कर दो. तो करते हैं डिवाइड, 0.83 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इससे सबको डिवाइड कर दो. तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.83 से इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगी समथिंग 7, अप्रोक्स 7 आएगी, ओके. 0.83 से 4.2 को डिवाइड कर दो, ये आएगा 5. 0.83 से 0.84 तो अप्रोक्स 1 के अप्रोक्स रहेगा और 0.83 से 0.83 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. ये डिवाइडेशन क्यों किया, बिकॉज ऑफ हमें क्या चाहिए, एक सिंपल रेशियो चाहिए, हमें डेसिमल वाली वैल्यू नहीं चाहिए. तो हमने क्या किया, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया. आ गई, अब क्या आ गया आपके पास, ये मोल रेशियो आ गया फॉर द एलिमेंट्स. ये 7 किसका है, कार्बन का. 5 किसका है आपके पास, हाइड्रोजन का. 1 है नाइट्रोजन एंड 1 है ऑक्सीजन. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, एम्पिरिकल फॉर्मूला, C7H5N and O, ठीक है. N1 है और O1 है. तो बताओ ये कहां पर है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन.